नमस्ते, मेरा नाम मुकुल शुक्ला है और आज हम मूसा गांव में आए हुए हैं। ये कान्हा नेशनल पार्क का एक बफर जोन है। यहाँ पर हम बात के लिए चले थे, जो मैं शिक्षा के बारे में चीजें बता रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, तो चलिए हम बात करते हैं। और मैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगा बताइए। जी, मेरा नाम गजेंद्र कटारी है और कान्हा नेशनल पार्क के पास या 2-3 किलोमीटर के पास जुड़ा हुआ एक गाँव मूसा, जहाँ पे मैं एक स्कूल को संचालित करता हूँ। ये स्टेडियम स्कूल है ग्लोबल गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल स्कूल कान्हा मूसा। सबसे पहले तो सर मैं मेरा एक हाई स्कूल अपोलो गवर्नमेंट स्कूल बबनी, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है। वहाँ पर यहाँ से कम से कम 40 से 50 बच्चे जो है डेली वैन के थ्रू बस के थ्रू पढ़े करने जाते हैं। तो इतना एक डिस्टेंस को सफर करके सुबह से शाम को जाना, लंच वगैरह है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जिसमें कोरोना के टाइम आए उस टाइम में यहाँ पे छुट्टी इंग्लिश टोटल वगैरह में पढ़ा था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो 40 से 50 बच्चे मेरे पास कोचिंग करते थे। कोचिंग कनेक्टिविटी देख कर भगवान की कृपा से पढ़ाई ठीक अच्छा हो, बच्चे सेंटर पढ़ाना सीख रहे थे, क्योंकि पूरी स्टेज तो इंग्लिश का खास इम्पोर्टेंस है। तो कुछ लोगों ने ऐसे ही हनी मतलब मूड पर बोला कि सर कहते हैं कि स्कूल चालू होना चाहिए, क्योंकि इतना अकॉर्डिंग यही था कि अपन एक स्कूल चालू कर। लेकिन ये दिमाग में की चीज़ें धीरे धीरे होती गई, भगवान की कृपा से अंतिम में जाके जो है एक ब्रांच भी हो गया। उसके पीछे सब इंग्लिश की क्लास थी, इंग्लिश को ही डेवलप करने का मेरा पार्ट है कान्हा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स है अपने उनका एक टाइम का एक शेड्यूल उनका पूरा जो कान्हा है लगभग 10:30-11 बजे कोऑर्डिनेट होता है। अब इतने टाइम का कोऑर्डिनेट होता है तो ना तो आप उस प्रकार का टाइम बच्चों को आगे ना तो आप बहुत देर छुट्टी गए दोनों चीजें नहीं। तो फिर जब गाइड अपने घर से आएंगे अपने काम पे जाएंगे वहाँ से बात आएंगे तब उन बच्चों को प्रॉब्लम आएंगे। जंगल के क्षेत्रों से बच्चा आके जो बड़ी हार्ट डील है बस की व्यवस्था में हमारी गाँव से आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक रेजिडेंशियल व्यवस्था हो जाए, कोई ऐसा एनजीओ जो रेजिडेंशियल व्यवस्था कर दे, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में मध्यान्ह की व्यवस्था होती है, दाल चावल मिले आराम से आगे पढ़े, तो ये तीसरा प्लान है मेरे अंदर। लेकिन अभी फिलहाल पूरे बच्चे जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हर जो संस्था है कहीं ना कहीं एक इनकम के लिए काम करती है, लेकिन साथ साथ जो इतने बड़े मैनेजमेंट कराने के लिए बड़ा हो चाहिए, खास में काला जैसी जगह हर चीज आप कॉस्टली नहीं रही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो बच्चे आ रहे हैं तो ये अब मैनेज हो पा रहे हैं हम लोगों से, या मैं जी की नाम चल रहा था आपके स्कूल खुलने के बाद पेरेंट्स का कैसा क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है उनका स्कूल से लेकर के, या जो जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं जिसके बाद उनका कैसा क्या रिस्पॉन्स है? पेरेंट्स का रिस्पॉन्स लगभग ओवरऑल 80% बहुत अच्छा है। कुछ पेरेंट्स जो है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको लगता है कि डीपीसी की जैसे सुविधाएं या बड़े स्कूल जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन पूरा यदि एवरेज देखें पूरे बच्चों को ध्यान में रखकर चीजें करनी पड़ती है, चाहे फीस चार्ज करना हो और चाहे किसी कोई फैसिलिटी देना हो, हर कोई अफोर्डेबल नहीं है। किसी कोर्स को पढ़ाने के लिए स्कूल 50,000-60,000 फीस का ईयरली चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 8,000-10,000 ये एवरेज है स्कूल की फीस का, उसी में हम लोग
कोशिश करते हैं कि अच्छी फैसिलिटी बच्चों को दी जाए। तो कुछ पेरेंट्स जो फैसिलिटीज के लेकर बोलते हैं, यदि एजुकेशन की बात करें, स्टडी की बात करें, तो ओवरऑल एक मिलन जुलन रिस्पॉन्स होता है, जिसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं। जो बच्चे कोरोना काल में नर्सरी के जी वन के जी टू में स्कूल नहीं गए, उन बच्चों का भी अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कुछ पेरेंट्स तो कंफ्यूजन ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की कॉपी है नहीं है, ऐसा राइटिंग है कैसे लिखे, तो अच्छा बुरा एक रिस्पॉन्स आता है। ओवरऑल सब कुछ ठीक है, सेटिस्फाइड है हम भी पेरेंट्स। फिलहाल तो अभी जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट है, ठीक ठाक ब्रांच बैठन हुआ है, और हर व्यक्ति किसी न किसी पर्टिकुलर खास उद्देश्य के लिए काम करता है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों को पढ़ाते रहूँ, और एनी हाउ यदि कुछ प्रॉफिट मुझे होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं काम करते रहना चाहता हूँ। और उसके साधन लगातार जुड़ते जाते हैं, और खास करके यहाँ के लोग जो है वो बहुत सपोर्टिव लोग हैं, चाहे वो बाइक की बात करें, ड्राइवर है, होटल एम्प्लॉयज है, पूरा जो एक माहौल है कर्नाटक बहुत अच्छा है। खास करके आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, वो आपको ताकत देता है काम आगे करने के लिए, एनी हाउ चीजें मैनेज हो जाती हैं। और लोगों का इंटरनल सपोर्ट भी है कि यदि कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे बोल सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक सब कुछ ठीक है। और आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो हर किसी को जरूरत है अच्छी एजुकेशन की, तो उसके माध्यम से जरूर प्रॉफिट में आएंगे और अच्छा काम करेंगे आने वाले समय में, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी चीजें मैनेज हो सके लिए करना चाहते हैं। तो बच्चों को इंग्लिश भाषा पढ़ाने में जो है फनी आम लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से मैं सुपर क्लास पढ़ाता था, मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बैल में रहते थे, उसके कारण बच्चे जुड़ते हैं, बीच में जोक्स बनाना यूज करना, ये सब सारी चीजें पूरा एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का इम्पैक्ट तो है स्कूल के अंदर। लेकिन आप एवरी सब्जेक्ट में आप उस वर्ड का यूज भी कर सकते हो कि मैथ्स में आप फनी तरीके से पढ़ा रहे हैं, या मतलब खास करके मैथ्स की बात है, स्ट्रिक्ट टीचर हुआ तभी मैथ्स, तो एक रास्ता है कि मेरा जो सेक्टर है मैं बच्चों से बेल मतलब बिहेवियर मेंटेन करना, किसी मजाक करना, बल्कि ऐसा माना जाता है कि टीचर भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप इस तरीके से पढ़ा रहे, भले उसमें 10% ग्रोथ कम, क्योंकि आई टी से भी बुला चुके हैं कि आप बच्चों को प्रेस नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, तो हमारे पास ये रास्ता तो इससे काम कर, पर एक अच्छा माहौल डेवलप होता है। खास करके लागत पिछले साल बातचीत तो हमारा होगा बहुत अच्छा माहौल रहा, तो एवरीथिंग ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो समस्याएं हैं उसमें चेचू के इतने लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बेटर ही करता लोगों की मदद, यदि खुद से आगे आगे करें तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। हम चाहते हैं आपकी जो समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, ढूंढ तक पहुँचे, शायद उसका कुछ समाधान निकले, क्योंकि बात से ही कोई भी संस्थान हो कुछ भी चलाने के लिए एक तो फंडिंग की जरूरत होगी जी, वैसे तो जरूरी तत्व है ही, और अगर सही आकर ये भी सिस्टम चाहिए, अगर आप जैसा चाहे अपन इस पूरे संस्थान को चलाने के लिए पैसे चाहिए, एक तरीका भी होता है कि आपकी फीस आई चल रहा है, पर उस पर जो आप चाहते हैं जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं जो इससे वहां तक वो शिक्षा पहुंच नहीं पाएगी, तो सही है कि आपको मदद की जरूरत होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक बात पहुंचे और लोग इस पर ध्यान दें, और बहुत लोग मतलब आपको शुभकामनाएं देते हैं इस काम के लिए। बहुत धन्यवाद आपका पर्सन जो हमारे इस स्कूल के मतलब जानकारी को बात पहुँचाएंगे, बहुत धन्यवाद है आपका। ऐसे ही लोग आगे आएंगे तो हमारी मदद बढ़ती जाएगी, चीजें बढ़ती जाएंगी, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा काम है कि आप समझ आगे हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका, और आगे के अच्छे टैक होंगे, लगातार आप हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, और आप जो भी दिशा निर्देश रहेंगे लोगों के दिशा निर्देश भी हमारे तक पहुंचेंगे। चाहते हैं कि चूंकि कान्हा नेशनल जो है पार्क पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, आप तो कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, तो इस जगह पे एजुकेशन बहुत अच्छा हो, बिकॉज ऑफ टूरिस्ट प्लेस जो है बच्चा इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कर पा रहा है,